हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक सरलतम परऑक्साइड है। यहाँ पर हम बता दें कि जो परऑक्साइड होते हैं उनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसे परऑक्साइड लिंकेज कहा जाता है। और इस तरह से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो एक सरलतम परऑक्साइड का उदाहरण है। सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हल्के नीले रंग का द्रव होता है, लेकिन पानी की तुलना में ये थोड़ा गाढ़ा विस्कस या चिपचिपा होता है। इसमें जो पाया जाता है परऑक्साइड लिंकेज, ये बहुत ही कमज़ोर बंध होता है और आसानी से टूट जाता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत आसानी से टूटकर जल तथा ऑक्सीजन रिलीज करता है। और यही वजह है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वह इसी तथ्य पर आधारित हैं, ये आसानी से अपघटित होकर जल तथा ऑक्सीजन देता है, और इसीलिए ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है। इसके साथ ही साथ ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी होता है। बहुत सारे पदार्थों को ये जीवाणु रहित करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर हम देखें कि हमारे घरों में बहुत से चीज़ें होती हैं जहाँ पर जीवाणु या बैक्टीरिया के पनपने की संभावना अधिक होती है, जैसे कि जो हमारे बर्तन धोने के ब्रश होते हैं उनमें, तो या फिर कटर होते हैं, या फिर बाथरूम में जहाँ पर जीवाणु ज़्यादा आ सकते हैं वहाँ पर हम इनका उपयोग करके उसे जीवाणु रहित कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से सब्जियाँ तथा फलों को भी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के तनु विलयन में कुछ देर तक डुबाकर रख सकते हैं और उन्हें जीवाणु मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये घरों में आप देखेंगे कि जो हेयर ब्लीच के तौर पर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पुरानी पेंटिंग्स होती हैं उनमें भी चमक लाने के लिए, या फिर जो कांच की जितने भी वस्तुएं होती हैं उनमें उनको धब्बे रहित करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जैसे रक्त के या खाद्य पदार्थों के जो धब्बे कपड़ों पर लग जाते हैं उन्हें भी दूर करने के लिए हम घरों में इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे लिए दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है। आइए अब हम देखते हैं इनको बनाने की विधियाँ। हाइड्रोजन परऑक्साइड को कई विधियों से बनाया जाता है। सबसे पहली विधि है इसकी बेरियम परऑक्साइड से। बेरियम परऑक्साइड, जिसका सूत्र होगा BaO2, साथ ही साथ इसमें 8 अणु जल के हाइड्रेटेड वाटर के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर है BaO2 8H2O। जब इसका अम्लीकृत करके इसका अम्ल से इसकी क्रिया कराई जाती है तो यह बेरियम जो है बेरियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड निकलती है, और साथ ही साथ जल क्योंकि यहाँ पर बन रहा है तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वह काफ़ी तनु विलयन इसका होता है। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन है उसे फिर कम दाब पर वाष्पीकृत करके इसको सांद्रित कर लिया जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त कर ली जाती है। इसके अलावा दूसरी विधि है, यह विधि है परऑक्साइड सल्फेट के जल अपघटन के द्वारा। यह विधि थोड़ी लंबी विधि है और इस विधि में हम किसी भी क्षारीय धातुओं के सल्फेट ले सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब इस सल्फेट को हम जल में विलय करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें से पोटेशियम अलग हो जाएगा और उसे उसके साथ ही हमें HSO4- आयन मिलेंगे। तो साथ ही साथ अब यहाँ पर देखें इस विलयन का, इसके जलीय विलयन का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो वैद्युत अपघटन पर जो कैथोड पर तो हाइड्रोजन मिलेगी, लेकिन जो एनोड पर हमें जो HSO4- यहाँ पर इकट्ठे होते हैं क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर HSO4- के दो यूनिट
आपस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज के द्वारा जुड़ जाते हैं। और इस तरह से हमें जो संरचना प्राप्त होती है उसमें हम देखें यहाँ पर दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा दोनों तरफ उनके SO3H यूनिट दोनों ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। और इस तरह से यहाँ पर जो पूरी संरचना हमें प्राप्त हो रही है वह है सल्फर, जिसमें कि दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा एक तरफ जुड़ा हुआ है OH समूह। उसी तरह से बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर लिंकेज है। उसके बाद हम देखें कि सल्फर से फिर से दूसरी तरफ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा एक जुड़ा हुआ है OH समूह। ये जो संरचना प्राप्त हुई है जिसे हम यदि संघनित रूप में लिखें तो हम लिखेंगे H2S2OA। और इस तरह से ये जो संरचना तैयार हो रही है इसे हम कहते हैं परऑक्साइड सल्फेट, और इसका एक सामान्य नाम भी होता है मार्शल अम्ल। ये सल्फर का एक ऑक्सी अम्ल है जिसका नाम होता है मार्शल अम्ल। तो इस तरह से जो हमें मार्शल अम्ल अब प्राप्त हुआ है, अब इसका हम कहते हैं जल अपघटन। तो जल अपघटन में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन लिंकेज से दोनों तरफ जो सल्फोनिल समूह यूनिट जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं टूटेगा पहली बार में। यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर कोई सा भी, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर का जो बंध है वह टूटेगा। और हम जानते हैं जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें जल का जो H+ आयन है वह एक तरफ जुड़ता है तथा OH- आयन दूसरी तरफ जुड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक तरफ H जुड़ेगा और इस तरह से हमें मिलेगा H2SO5 तथा दूसरी तरफ OH- जुड़ेगा और इस तरह से हमें मिलेगा H2SO4। तो इस तरह से यहाँ पर जो H2SO5 अब मिला है और जिसे हम कहते हैं कैरो अम्ल, कैरो एसिड के नाम से ये जाना जाता है। इस कैरो अम्ल का हम आगे फिर से जल अपघटन करेंगे और इस तरह से जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर हम देखें कि यदि हम कैरो अम्ल की संरचना देखें तो यहाँ पर एक सल्फर है जिसमें कि डबल बॉन्ड के द्वारा दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक तरफ जुड़ा हुआ है OH और दूसरी तरफ यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं टूटा था तो यहाँ पर है ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन है और उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर जब हम जल अपघटन करेंगे तो अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज यहाँ पर टूटेगा और यहाँ पर जल का जो H+ आयन है वो एक तरफ और OH- है वो दूसरी तरफ जुड़ जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक तरफ हमें मिल रहा है H2SO4 और दूसरी तरफ यहाँ पर दो OH समूह आपस में मिलकर यहाँ पर बनाएंगे H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पर हम परऑक्साइड सल्फेट के जल अपघटन के द्वारा हम हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। आजकल यह विधि D2O2 ड्यूटेरियम परऑक्साइड के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर उसके लिए जो कंपाउंड उपयोग में लाया जाता है वो होता है K2S2O8। और इसका जब इसका जल अपघटन करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है KDSO4, जैसे कि उसमें हमें मिलेगा H2SO4, उसी तरह से यहाँ पर या KHSO4 उसकी तरह यहाँ पर हमें मिलेगा KDSO4 और साथ में हमें मिलता है D2O2 यानी कि ड्यूटेरियम परऑक्साइड। तो इस तरह से आजकल ये जो विधि है ड्यूटेरियम परऑक्साइड के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा अब जानते हैं एक और विधि, और यह विधि औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग इतना ज़्यादा है, हमने पहले ही बताया कि इसके उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है और इसीलिए इसका उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। और इसीलिए औद्योगिक रूप से इसका उत्पादन करने के लिए जो विधि उपयोग में लाई जाती है उसे हम कहते हैं एंथ्राक्विनोन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड उपयोग में लाया जाता है वह एंथ्राक्विनोन का ही एक यौगिक होता है। तो यहाँ पर हम जो कंपाउंड उपयोग में लाते हैं वह है 2-alkyl एंथ्राक्विनोल,
यहाँ पर उपयोग में लाते हैं। और इसकी संरचना आप देख सकते हैं, इसमें तीन बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही है, जिसमें कि मध्य स्थिति में जो बीच वाली जो रिंग है उसके ऊपर और नीचे दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। क्योंकि हमने पहले ही नाम में बोला है कि ये होता है एंथ्राक्विनोल। साथ ही साथ यहाँ पर हमने कहा है टू एल्किल, तो यहाँ पर ये जो पहली वाली रिंग है उसके ऊपर वन और दूसरा जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पर एल्किल समूह उपस्थित होता है। मान लीजिए यहाँ पर एथाइल समूह उपस्थित है CH2CH3, तो इस तरह से इसका इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टू एथाइल एंथ्राक्विनोल। अब इस कंपाउंड का स्वतः अपघटन या कह लें कि स्वतः ऑक्सीकरण के द्वारा हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जब हम 2-एल्किल एंथ्राक्विनोल लेते हैं तो इसका स्वतः यह ऑक्सीकृत हो जाता है। और आप जानते हैं ऑक्सीकरण में होता है हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर हम देखें कि जब इसे हम ऑक्सीकृत करते हैं तो इसमें से दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है 2-एथाइल एंथ्राक्विनोन में, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें मिलती है H2O2। तो इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। और यदि हम यहाँ पर फिर से 2-एल्किल एंथ्राक्विनोन इसका रिडक्शन कर दें तो हमें फिर से 2-एल्किल एंथ्राक्विनोल प्राप्त हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर स्व ऑक्सीकरण और स्व अपचयन की क्रिया होती रहती है। लेकिन इस तरह से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड मिली है वह काफ़ी तनु होती है, यह केवल 1% इसकी सांद्रता होती है। तो अब इसकी सांद्रता इसे और अधिक कंसंट्रेट करने के लिए ये जो 1% हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है उसे पहले जल से निष्कर्षित कर लिया जाता है और उसके बाद फिर इसका कम दाब पर आसवन किया जाता है। कम दाब पर आसवन की ही एक विधि है जिसे हम उन कंपाउंड के लिए उपयोग में लाते हैं जो कि अपने क्वथनांक बिंदु से पहले ही अपघटित हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड मिली है उसका कम दाब पर आसवन किया जाता है, जिससे हमें 30% सांद्रता वाला हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है। और फिर इसका आगे भी धीरे धीरे सावधानी पूर्वक यदि कम दाब पर आसवन करते जाएं तो हमें लगभग 85% सांद्रता का हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से फिर इसे जो अवशेष है उसे हिमशीतित कर लिया जाता है, फ्रोजन कर लिया जाता है और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसे प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम छोटे तौर पर या औद्योगिक तौर पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के भौतिक गुण। हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये सामान्य तौर पर लगभग रंगहीन या हल्के नीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। साथ ही साथ यदि हम इसका गलनांक देखें तो इसका गलनांक 272.4 केल्विन होता है। यदि इसका हम क्वथनांक लें तो इसका क्वथनांक पानी की तुलना में अधिक होता है और इसका क्वथनांक होता है 423.0 केल्विन। इसके अलावा यदि हम इसका वाष्प दाब देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 298 केल्विन पर, यदि हम इसका वाष्प दाब देखें तो यह भी अधिक होता है, यह लगभग 1.9 mmHg के बराबर होता है। साथ ही साथ इसका घनत्व यदि हम ठोस अवस्था में देखें और यहाँ पर हम देखें कि 268 केल्विन पर यह ठोस अवस्था में जब यह होती है तो इसका जो घनत्व है 1.64 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होता है। लेकिन जब यह द्रव अवस्था में होती है और द्रव अवस्था में यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब इसका जो घनत्व है वह 1.44 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया ये इसकी शांता 290 केल्विन पर इसकी शांता होती है 1.25 सेंटीपॉइज, यानी कि दिख रहा है कि जल की तुलना में ये थोड़ा अधिक गाढ़ा या श्यान होता है। इसके बाद हम देखें इसका परावैद्युतांक भी 70.76 न्यूटन स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं इसकी वैद्युत चालकता,
तो इसकी वैद्युत चालकता काफ़ी कम होती है और यह होती है 5.1 × 10⁻⁸ पर ओम पर सेंटीमीटर। तो यह है हाइड्रोजन परऑक्साइड के भौतिक गुण। आइए अब हम देखते हैं इनकी संरचना, हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना किस प्रकार से होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना असमतलीय होती है, यानी कि इसके सभी बंध एक ही समतल पर नहीं होते हैं। इसकी संरचना आप यहाँ पर चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। इसे ओपन बुक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यदि हम एक किताब लें और इस तरह से उसे आधा खुला हुआ रखें तो हम समझेंगे कि यहाँ पर जो ये बीच वाला भाग होगा उसमें दोनों ऑक्सीजन परमाणु परऑक्साइड लिंकेज के द्वारा बंधे हुए होते हैं, जबकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु इन दोनों पृष्ठ पर एक एक उपस्थित होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम इस तरह से यदि संरचना देखें तो यहाँ पर हम देखें कि जो बुक है वो आधी खुली हुई है तथा इसके बीच में बीच वाला जो भाग है वहाँ पर दोनों ऑक्सीजन आपस में सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसे हम परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, तथा जो एक हाइड्रोजन है वह एक ऑक्सीजन के द्वारा ऊपर इस पृष्ठ से पे उपस्थित होता है, जबकि दूसरा ऑक्सीजन इस नीचे वाले पृष्ठ पर उपस्थित होता है। और इस तरह से यदि हम इस दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को देखें तो यहाँ पर हम देखें कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना है वह गैसी अवस्था में कुछ अलग होती है तथा ठोस अवस्था में अलग होती है। यहाँ पर गैसी अवस्था में यदि हम इसकी संरचना देखें तो यहाँ पर जो दोनों पृष्ठों के बीच एंगल है, जिसे हम अल्फा एंगल या अल्फा कोण कह सकते हैं, यह 111.5 डिग्री का होता है, जबकि यहाँ पर जो एक ही पृष्ठ पर उपस्थित यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो बंध होता है वह 94.8 डिग्री का होता है। दूसरी ओर यदि हम ठोस अवस्था में इसकी संरचना को देखें तो यहाँ पर जो दोनों पृष्ठों के बीच जो कोण होता है, जिसे हम अल्फा कोण कहते हैं, वह कम होता है और यह केवल 90.2 डिग्री का होता है, जबकि यहाँ पर जो बीटा कोण होता है यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है वह यहाँ पर कुछ अधिक होता है और यह 102 डिग्री का होता है। इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना असमतलीय होती है तथा गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था दोनों ही अवस्था में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है।